आरंभ। मित्रा विज्ञान बाल संस्कार शिक्षण शिविर, श्री जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली द्वारा मित्राग विज्ञान बाल संस्कार शिक्षण शिविर 28 मई 2023 से 4 जून 2023 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि भाग लेने वाले बच्चों को उनके घर से लाने व घर पर ही छोड़कर आने की निःशुल्क व्यवस्था अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली ने बैंक के द्वारा की है। अल्पाहार की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में बच्चे वैन के द्वारा शिविर में जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। हम सोचते हैं पता नहीं आगे आने वाली पीढ़ी मंदिर जाएगी कि इतने बच्चे देखकर ऐसा लगना चाहिए कि दिल्ली को पूरी दिल्ली मान सकती है। इतने मंदिर है उससे ज्यादा कहीं जाना ये बच्चे हैं और आज इन बच्चों को दिखा दिया कि धर्म का झंडा अगर कोई दिल्ली में फैलाएगा और विश्वास नगर में जाएंगे उस पाठशाला के लिए और उस पाठशाला के कर्ता धर्ता हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। देश विदेश में ख्याति प्राप्त विद्वान हमारे बीच पंडित विपिन जी नागपुर में चाहता हूँ पूरी फेडरेशन मिलकर के उनका स्वागत करें। आदरणीय पंडित विपिन जी नागपुर तालियों है। संयम जी, संभव जी, अमन जी, तंदुल जी के साथ बेटा आपके अध्यापक गण है। दीपम जी आ जाइए, जोरदार दीपम जी के मौजूद है शिविर का पुनः जोरदार। अमन जी शाह, हमारी प्रज्ञा दीदी, दीप्ति दीदी, रेखा दीदी, इन सब के लिए भी तालियां। और हमारे बीच में फन वैली से जो पीछे मैक्स पटोरगंज के पीछे की स्कूल है फन वैली, वो भी उनकी टीचर्स भी यहाँ मौजूद है। मैं निवेदन करता हूँ कि सभी को सब आ जाए, टीचर्स आ जाइए स्टेज पे टीचर्स का। और जैन समाज है इनका भी बहुत सहयोग है। बताऊँ हमारी अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन हाँ जी हमारे बीच में ये शिविर लगाने वाले, ये शिविर के स्तंभ जिन्होंने शिविर की प्रेरणा दी, ऐसे श्रीमान राजेश जैन पुष्पांजलि आएंगे। तालियां हो जाए एक बार जोरदार इनके लिए। राम जैन समाज है जो वास्तव में एकता का प्रतीक है समाज में ही है। एक बार 450 किलोमीटर दूर से आए थे। तालियां हो जाए एक बार जोरदार ना करके। चेतन जी, फ्रोहित जी फुटेरा, नरेंद्र जी का बहुत बहुत सहयोग रहता है। मुझे नरेंद्र जी बाबली एक लेव के लिए। मैं भी जब नैतिक शिक्षण शिविर लगता था यहाँ पे तो मैं भी उसी पाठशाला का छात्र हूँ और याद आ गया वो दिन कि जब हम भी पाठशाला में जाते थे और
वास्तव में उस पाठशाला में जाकर के नैतिक संस्कार सीखते थे, और आज वो दिन है कि इतनी भारी भीड़ देख के ऐसा लगता है कि वास्तव में दिल्ली ने उत्तरोत्तर तरक्की की है, उत्तरोत्तर वृद्धि की है। और इसके लिए पुनः एक बार जोरदार तालियां। हमारे बीच में इतने बच्चे यहाँ पर मौजूद है, हमारे बीच में सुनील जी भी मौजूद। महावीर भगवान की, परसाद भगवान की। रुपए की राशि श्रीमान विजय जैन चेयरमैन दिगंबर जैन कमेटी रिसर्व, एक बार तालियां हो जाए इसके बच्चों पर। 31,000 रुपए की राशि श्रीमान विपुल जैन जी महामंत्री रिसर्व, और 31,000 रुपए की राशि श्रीमान पवन कुमार जी जैन रिसर्व पूर्व कोषाध्यक्ष, और 31,000 रुपए की राशि गुप्तदान। तो बहुत बहुत पुनः अभिवादन दी जाती है, एक बार तालियों के साथ 151,000 रुपए की राशि। और इनकी तरफ से समापन समारोह का पूरा भोजन इनकी तरफ से रेडी हुआ, पुनः जोरदार तालियां। और देखिए अमन जी का है, अमन जी, अमन जी ये आज नहीं आई, आप सभी की बोलिए देव शास्त्र गुरु की। आप सब तैयार? चलिए बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप अपने लिए। आप मंदिर जी में चले जाएंगे, जो गेट से अभी तक बच्चे एंटर हो चुके हैं उनकी सामूहिक कक्षा यहीं पे लगेगी, और जो और आते जा रहे हैं उनके लिए मंदिर में सामूहिक कक्षा प्रारंभ हो गई है। तो अपनी प्रतिदिन किस तरह से रहेगी, प्रतिदिन के लिए आप ध्यान रखिए, लेवल वन ओरल की जो सामूहिक कक्षा होगी वो यही होगी, लेवल वन रिटर्न वो भी यहीं पर होगी, और लेवल टू ध्यान से सुना आपने कौन कौन से, लेवल वन ओरल, लेवल वन रिटर्न और लेवल टू, ये तीन बच्चों ने जो भाग भरे हैं उनकी सामूहिक कक्षा यहीं पर होगी, और बाकी सबकी सामूहिक कक्षा ऊपर मंदिर जी में रहेगी। सबको समझ आ गया? आपकी जो विभिन्न कक्षाएं हैं, अलग अलग भाग वाली कक्षाएं हैं, वो आपको सामूहिक कक्षा के एंड में बता दिया जाए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। आप सभी मंदिर में, बाकी यहाँ पे शुरू करने के लिए बुला रहे। ब्राह्मी सुंदरी 55 हो गई, एक बार ताली बजा लीजिए 55 के नाम से। तो ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन, और उसमें 12वीं की जो छात्राएं हैं उसमें एक छात्रा ने 93% 12th में प्राप्त किए हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ। वैदेही जैन से कृपया स्टेज पर आए और उनको यहाँ से पुरस्कारित कर रहे हैं श्रीमान राजेश जी जैन, तालियां वैदेही जैन के लिए। 11th तालियों के साथ। बैठे रहिए सभी बैठे रहिए। एक बार बोलिए महावीर भगवान की। जितने बच्चे पीछे हैं ना, सारे के सारे जल्दी से बैठ जाइए। आप सारे जहां खड़े हैं, देखो सब जो लड़के हैं वो तो कह देगी सबको के ना, मैं बताऊंगा आप क्या होगा ना। मैं लड़की नहीं तुम्हें मोटा नहीं, क्या दिक्कत है, मैं पतला नहीं, तुम्हें तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा। अब जैसे ही मैं धाम जाऊंगा आपको भगवान बन के बैठना है, जितने बाहर पीछे खड़े हैं ना, जो आगे पीछे उछल कूद कर रहे हैं वो भी। और मैं तो शुद्ध त्रिकाली परमात्मा, तुम्हें तो आनंद का धाम। आंखें भगवान ऊपर नीचे से नहीं करते, बिल्कुल शांति से बैठते हैं, आंखें बंद, कमर सीधी, हाथ पे हाथ रख के बैठना है। वाले
लड़कियां थोड़ा आगे आगे हो जाओ, आप सब आगे आगे हो जाओ, आगे आते जाओ, बच्चे बहुत ज्यादा है यहाँ, और आगे आते जाओ, और आगे आते जाओ। राग से है मेला दौड़ा 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 चेतन चार गति में दौड़ा आत्मा हमारा चार गति में दौड़ा की। आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? किस किस को पता है आप यहाँ क्यों आए हैं? एक लाइन का आंसर दिमाग में सोच के रखो, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप क्यों धर्म सीखने के लिए आए हैं? आप जो संसार को देख नहीं सकते, संसार दिखाई नहीं देता है क्या? देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, आप दिखाई देंगे। और कोई आपसे जय जिनेंद्र करता है, कोई आपकी हेल्प करता है, कोई आपको सहयोग करता है, उससे गुण संस्कार अपने को दिखाई देते हैं। आप सब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कल से अपना लेवल अलग अलग हो जाएगा और फिर अपना विषय चलेगा। आज सिर्फ 5 मिनट के लिए हम ये संकल्प लेंगे हम यहाँ क्यों आए हैं, लक्ष्य क्या है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, फिर समझाऊंगा। सेंटेंस में आप बोलेंगे हमारा जन्म ही किस लिए हुआ है, तो उसका जवाब है भगवान बनने जन्मे हम। मैं बोलूंगा भगवान बनने, आप बोलेंगे जन्मे हम। भगवान बनने सब समझ में आ जाएगा आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है और उसका क्या पर्पस। हम सब संसार में घूमते 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 यहाँ आज इस शिविर में आ गए। पूरे विश्व में अरबों मनुष्य हैं, अरबों, बहुत कम बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। आज हमें संस्कार मिलने का अवसर प्राप्त हो गया है और हम उस अवसर को अच्छे से उपयोग करेंगे। पढ़ने चालूंगे दो बार लेकर दो घंटे के पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपको यहाँ किस मिलेगी? आपको होमवर्क मिलेगा, आपको विषय पढ़ाया जाएगा और जो बच्चा सबसे अच्छे से पढ़ेगा शिविर के बाद में उसे क्या मिलेगा मालूम है आपको? क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज एक्टिवा स्कूटी, सेकंड प्राइज क्या है? सेकंड प्राइज लैपटॉप है, थर्ड प्राइज क्या है? एप्पल आईफोन। मुझे ये बताओ कितने स्कूटी है और कितने एप्पल आईपैड है और कितने लैपटॉप है? एक 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 से 3। और बच्चे कितने हैं? हजारों। तो हजारों बच्चों में से सिर्फ 3 बच्चों को मिलेगा तो बाकी बच्चों का तो नुकसान हो जाएगा, 8 दिन खराब हो जाएंगे उनके। जिन बच्चों को नहीं मिलेगा उनके 8 दिन खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। अब आप सोचना, विचार करना और ये कल बताना उनके दिन खराब होंगे या नहीं होंगे। चलिए अब आपकी यहाँ पर भगवान बनने, भगवान बनने, भगवान बनने क्या बनने आए हैं? अब आपकी एडमिशन क्या बनने आए हैं? लेकिन भगवान होते क्या है ये तो हमें पता ही नहीं। किसी को पता है भगवान कौन होते हैं? सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञ और हितोपदेशी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सर्वज्ञ कहते हैं जो अपना घर धन दौलत सब त्याग देते हैं।
आज भैया पूछेंगे पीछे से, लड़कों में से कोई बताया? जो नए बच्चे आए हैं वो आज खाएंगे, ऐसे नहीं है ना खाने में। नहीं होता। आपका नाम नाम बताओ। मेरा नाम अतिशय जैन है और आप सभी को जय जिनेंद्र। चलो बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा जिनमें राग द्वेष रागी कहते हैं, जिनका राग और द्वेष बीत गया उसे क्या कहते हैं? जिनका राग द्वेष नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिनका राग द्वेष बीत गया उन्हें क्या कहते हैं? चलो बहुत बढ़िया। वीरता कौन सी है भगवान की? सर्वज्ञ। अब सर्वज्ञ किसे कहते हैं वो कौन बताएगा? जल्दी हाथ उठाना। नहीं, पुराने बच्चे नहीं जो डेली पाठशाला में आते हैं, नए बच्चे। जय श्री। मेरा नाम रंजन है। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो दुनिया तीनों कालों की हर बात को एक समय में जाने। चलो अपने सबक में डाल दो। जय श्री। मेरा नाम सलोनी जैन है और सर्वज्ञ उन्हें कहते हैं जो लोग सबक में डाल दो एक बार जाते। चलो बहुत बढ़िया। तीन काल को एक समय में जाने उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। चलो एक साथ बोलेंगे, जो तीन काल को एक साथ एक समय पे जाने उन्हें क्या कहते हैं? वीतरागी। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। चलो बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र। तो मेरा नाम आदम जैन है। हितोपदेशी उन्हें कहते हैं जो हमारे हित का उपदेश देते हैं। हाँ, जो हित का उपदेश दे उसे क्या कहते हैं? जो हित का उपदेश दे उसे क्या कहते हैं? जो हित का उपदेश दे उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सही है। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं फिर? हाँ बहुत बढ़िया। देवगति नरगति त्रियांशगति। आयुष जैन, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ बड़े बच्चे, मैं तो ये देख रहा हूँ आपको आता कितना, फिर अपन तो सीखने के लिए बैठे ही है। गति कहते किसे है? इशा किया पूछो किसे? गतियाँ वो जगह होती है मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है उसके कर्म अनुसार उसे सुख और दुख का भोग होता है, तो उस जगह में हो जाती है, वो स्थान होती है गति में। कोफी के जो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली चूहा ये सब दिखते हैं, ये कौन सी गति के हुए? एक साथ बोलो कौन सी गति? देव गति, नरक गति, त्रियंज गति। अच्छा पर आप सब कौन सी गति के जीव? त्रियंज गति। तो मम्मी कहती ना तू तो गधा है गधा। आपको कहा आपकी मम्मी ने? गधे तो की हाँ जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। आवाज नहीं आई तो गतियां चार होती है, चार एक संगीता गतियां चार होती है, चार मनुष्य गति, देव गति, नर गति, त्रिंज गति, त्रिंज गति, त्रिंज गति, त्रिंज गति, चार हो गई। चार लड़ने का अपने को लड़ने का गलियों में अपने को लड़ने का, अपने को तो मोक्ष चलने का है। कहाँ चलने का है? कहाँ पर? इसे नीचे घड़ी मोक्ष ऊपर है, मोक्ष बोलो। तो मेरे को एक्शन करने के लिए जाना पड़ता तो ना मेरा मोक्ष हो जाए, है ना? चाहे अरे कच्ची का चक्कर कच्च
चाहे दोनों फोन के बाद जितने भी बेटे ना सबके एक्शन होने चाहिए खुश हो जाता है उधर तो अरे गलती का चक्कर कच्चा है इधर वाले एक्शन नहीं कर रहे आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही अरे गलती का चक्कर कच्चा है मोक्ष कहाँ देखा था मैंने नीचे के ऊपर मोक्ष कच्चा करना है कि पक्का करना है पक्का कि कच्चा पक्का ऐसे होता है पक्का बोल तो बोलो पक्का वेरी गुड चार होती है चार जैसे मैं याद कर रहा हूँ एक बार दोबारे आप लोग बोलेंगे ठीक है पहला बहुत बढ़िया अब ऐसे एक बार रैंडम बोल पांचवा पाप कौन सा होता है दूसरा पाप चौथा पाप पहला और तीसरा चोरी बस इतने ही हाथ उठे हिंसा किसे कहते हैं इसमें तो सबके हाथ उठने चाहिए हिंसा किसे कहते हैं तो नॉर्मल बात हिंसा कहलाते हैं बहुत बढ़िया जब हम किसी को किसी चीज को मार देते हैं उसे हिंसा कहलाते हैं अब डेफिनेशन कौन बताएगा जिसने पहले पढ़ा हो है हमारे को किसी को सताए मारे या किसी का दिल दिखावे उसे हिंसा कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया आना या उसका दिल दुखाना उसे क्या कहते हैं चोरी क्या कहते हैं उसे हिंसा बहुत बढ़िया एक बार सब एक साथ बोलेंगे हिंसा किसे कहते हैं बहुत बढ़िया किसी को मारना सताना या उसका दिल दुखाना उसे हिंसा कहते हैं चोरी का सबके हाथ ऊपर है चोरी का पता सबको है कैसे कहते हैं चोरी किसी का सामान लेना बिना पूछे और परिभाषा का बताएगा चोरी की सही परिभाषा तो उसके बिना पूछे ले लेना चोरी कहलाता है जैन है किसी की वस्तु को उसके चुपके से ले जाना चोरी कहलाता है सिर्फ हाथ ऊपर करना है मेरा नाम सौरभ जैन है मेरे से सागर जैन है चोरी का मतलब होता है किसी की पड़ी हुई भूली हुई या किसी की चीज को बिना आज्ञा उठा लेना चोरी कहलाता है आज्ञा के बिना उठा लेना उसके बिना आज्ञा के उस चीज को उठा लेना उसे चोरी कहलाता है बहुत बढ़िया ताली बजाने के लिए गिफ्ट ले लिया किसी की पड़ी हुई या रखी हुई उसकी बिना आज्ञा से वह वस्तु उठा लेना या किसी को उठाकर दे देना ये क्या है ये क्या है चोरी चलो पक्का चोरी से कहते हैं चलो एक बार सब एक साथ रिपीट करेंगे चोरी किसे कहते हैं किसी की पड़ी हुई लगी हुई भूली हुई वस्तु उसकी बिना आज्ञा के उठा लेना या किसी को दे देना वह चोरी कहलाता है अब चोरी कैसे कर चोरी का एक्शन सभी देखेंगे देखो मैं आ गया पहली कौन सी थी हिंसा देखो आवाज नहीं आनी चाहिए हिंसा नहीं करना मंदिर में बैठ के हिंसा हिंसा झूठ 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 एक साथ नहीं कर रहे सब देखो पीछे बोला कर रहे हैं झूठ झूठ चोरी 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 पीछे बच्चों को दिख रहा है चोरी
चोरी खुशी खुशी खुशी। अब लास्ट कौन सा है? परिक्रय परिक्रय पीछे परिक्रय। सब कुछ जोड़ हिंसा हिंसा। देखो आप हिंसा कर दीजिए। खुशी परिक्रय परिक्रय हो गया या हिंसा एक साथ सभी करेंगे। अब सब भगवान बन जाएंगे। भगवान बनना आता है बन जाएंगे। मैं देखूंगा चेक करेंगे भगवान आवाज करते हैं। भगवान की आंखें खुली हैं या बंद हैं? भगवान बोलते हैं किस चीज में? भगवान से बोलते हैं? भगवान से प्रश्न पूछे उत्तर देते हैं? आप क्यों जन हो? हे प्रभु अनादि संसार से भटकते भटकते मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई है। मनुष्य पर्याय में भी उत्तम देश उत्तम कुल उत्तम आयु शरीर की निरोगता मुझे प्राप्त हो गई है। मेरे सौभाग्य से मुझे धर्म में रुचि है। हे प्रभु आप तो सर्व कर्मों का नाश करके अनंत सुख को प्राप्त हो गए हैं। मुझे भी अनंत सुख प्राप्त करना है। हे प्रभु मुझे भी वीतरागी सर्वज्ञ होना है। हे प्रभु आपकी शांत मुद्रा देखकर मुझे बहुत आनंद आता है। आप ना क्रोध करते हैं ना मान करते हैं ना मायाचारी करते हैं ना लोभ करते हैं ना हास्य करते हैं ना रति करते हैं ना आरती करते हैं ना शोक करते हैं ना भय करते हैं ना स्त्री वेद है ना पुरुष वेद है ना नपुंसक वेद है। आप तो आत्मा के अनंत गुणों का हर पल हर क्षण आनंद लेते हैं। मुझे भी आपके जैसा बनना है। मुझे भी आत्मा के अनंत गुणों का आनंद लेना है। हे प्रभु मैं आज सौभाग्य को प्राप्त हुआ हूँ। मुझे इस शिविर में भाग लेने का अवसर मिला है। दिल्ली के लाखों बच्चों में मैं वो भाग्यशाली बच्चा हूँ जिसे संस्कार धर्म दर्शन समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूँ शिविर में जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जाएगा समझाया जाएगा मैं उसे अपने लिए जीवन में उपयोग अवश्य करूँगा। मुझे पुरस्कार मिले या ना मिले
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपके जैसा होना है। कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी प्रशंसा करे, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अभ्यास करूंगा किसी की निंदा से, किसी की प्रशंसा से अब मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया है मेरा जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है, कर्मों का नाश करने के लिए हुआ है, अनंत सुख की प्राप्ति के लिए हुआ है। मैं आपके समक्ष भावना भाषा हूँ, यदि आपके जैसा शीघ्र ही अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य का धारी बनू और आत्मा में रहू। मैं कोशिश करता हूँ, अभी मैं अपनी आत्मा में जा रहा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कुछ क्षण मैं अपनी आत्मा में रहूंगा। न मैं क्रोध करूंगा, न मैं मान करूंगा, न मैं मायाचारी करूंगा, न मैं लोभ करूंगा। शांत 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 आत्मा का कितना अच्छा लग रहा है। भगवान भी आत्मा का आनंद लेते रहते हैं। लेवल वन रिटर्न और लेवल टू, ये सब अपने लेवल्स बताए ना। अब जो लेवल वन और टू में है, मान लीजिए मैडम आप सबकी क्लास सामूहिक क्लास कहाँ लगेगी? नीचे एकल से कहाँ लगेगी? कहाँ लगेगी? तो हाथ ऊपर करो। लेवल सिक्स, अब लेवल सिक्स की क्लास है बगल वाली बिल्डिंग में, फर्स्ट फ्लोर। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा है। तो बताओ हम सभी आत्मा है या नहीं है? क्यों है हम सभी आत्मा? क्योंकि हम जानते हैं नाम है आत्मा और परमात्मा। आत्मा सभी को समझ में आया? हम सभी क्या है? दूसरा शब्द क्या है? परमात्मा। ये परमात्मा कौन होते हैं? अगर शब्दों से देखो, आपने कभी संधि पढ़ी हो, संधि विच्छेद पढ़ा हो, पर आत्मा दूसरे की आत्मा ऐसा होता होगा। पर आत्मा, पर आत्मा दूसरे की आत्मा ऐसा होता है क्या? परम आत्मा तो मेरे संधि विच्छेद गलत है, पर आत्मा नहीं होता, परम आत्मा होता। जो आत्मा होती है जब वो अपने स्वरूप में लीन हो जाती है, अपनी आत्मा का ध्यान जब हम करते हैं तो बुरी आत्मा क्या बन जाती है? जब हम कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान रहेंगे, क्या भक्त नहीं भगवान रहेंगे? जब ये बात कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, उस समय हम कहते हैं कि हम आत्मा से परमात्मा बनेंगे, आत्मा से परमात्मा बनेंगे। तो बताओ परमात्मा बना जा सकता है क्या? बना जा सकता है? कभी-कभी ये सारी बातें काल्पनिक नहीं लगती? बस हम वैसे कहते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। कोई भगवान बन भी सकता है? आपने किसी को बनते हुए देखा भगवान? पंचम काल में दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भव्य और अभव्य। क्या? भव्य और अभव्य। पहला दूसरा तीसरा भव्य और अभव्य। अब हमें ये समझना है कि भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं। अभी बिना पढ़े बुक में मत पढ़ना भव्य अनुसार, कि वे बता सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग। हम सभी संघ ही पंचेंद्रीय है, हम सब में सोचने की शक्ति है बराबर। हम क्या होंगे? हम भव्य होंगे या अभव्य होंगे? भव्य होंगे। क्यों होंगे हम भव्य? हमने हमने लोक संघ ही का कमजोरी है।
योग्यता है, कांटा के मुंह जाने क्या बोला, हम भव्य हैं, हम भव्य हैं, आपका नाम क्या है, तेजस है, तो तेजस में भव्य बना है या नहीं है, है भैया, श्योर नहीं है, थोड़ा श्योरिटी नहीं आती है, सबकी शक्ल पे थोड़ा 12 बजे हुए हैं, हाँ कहे भव्य कहे या अभव्य कहे, दो शब्द हमें यहाँ पे बराबर मिले, एक है भव्य और एक है अभव्य, बहुत सरल सी परिभाषा है, भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं, तो भव्य उसे कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, आगे क्या लिखा, दर्शाने की योग्यता हो, मतलब जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट करने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं, और इसी का ऑपोजिट कि जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट करने की योग्यता ना हो इसे निष्ठा जैन, निष्ठा जैन, सबसे पहले कोई भी जिम्मेदारी जमीन पे नहीं रखेगा, ठीक है, सब की जिम्मेदारी हाथ में रखेंगे, कलर्स का कुछ नहीं होगा आपको, जो कलर सुनो देखो अब देखो अरण परमेश्वरी की प्रतिमा बहुत बड़ी है, ठीक है, अरण परमेश्वरी क्या छोड़ते हैं, सबसे पहला पॉइंट, हम सभी क्या है, गृहस्थ है ना, अरण परमेश्वरी सबसे पहले पैदा होती होता है कि नहीं, इतना सा सीन देखेंगे एक दो मिनट का, ये बहुत बढ़िया मूवी है, विषय है क्या, इतना कठिन है हम नहीं पढ़ सकते, क्या हम इसका ज्ञान नहीं कर सकते, बहुत सरल है, बहुत सरल है, आप स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई करते हैं ना, इतनी कठिन है, इतनी कठिन है कि कह नहीं सकते, लेकिन आप इतनी मोटी मोटी पुस्तकें और रात दिन जाकर कोई एमए करता है, कोई डॉक्टर करता है, कोई इंजीनियर करता है, कोई टीचर होता है, तो कोई ऐसे हो जाते हैं, कितनी पढ़ाई करते हो उसका तो 1% है यहाँ पर, और 1% में भगवान करने की आप यहाँ पर क्या करोगे, तो हिंदी में रहने के लिए बनोगे कितने दिन के, जब जीवित कहाँ, रिटायर होने की उम्र होती है कि नहीं, 60-65 साल कितनी है, 62 एज है, मुझे नहीं पता आपसे ज्यादा पता होगी, 60 साल रिटायर होने तो वे भी नहीं काम कराते, बूढ़े हो गए और जाओ तुम रिटायर हो गए, वे भी 60 साल से ज्यादा काम नहीं कराते हैं, और आप पढ़ाई करते करते कितनी उम्र हो जाती है, लगभग 30 एक अनुमान से, तो 25-30 साल की उम्र केवल वर्षों के लिए आप ये पढ़ाई इतनी मेहनत करके पढ़ते हो, और यहाँ अनंत काल के लिए गारंटी है कि अनंत काल के लिए भगवान बन जाओगे, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगे, बताओ कौन सी जॉब अच्छी है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। दिमाग को कल का होमवर्क दिया है,
पांच तक जॉब की गिनती बताई थी, एक याद करनी है और एक चार लाइन। ठीक है, कल पूछेगा आपके नाम है, तुमने रोज रोज क्या करते हो कि टिफिन खत्म किया नहीं था, बैग दिया तो मम्मी को कह दिया हाँ आपने टिफिन खत्म कर दिया, अब कोई मच्छर आया कोई से मच्छर ने काट लिया, यहाँ बैठा है तो उसे मार दिया, ये क्या हो गई हिंसा हो गई। जीवन भर मालाएं जपते रहे, जीवन भर तीर्थ यात्राएं करते रहे, जीवन भर दुनिया की गुरुओं की सेवा करते रहे, हमें प्राप्ति नहीं हुई, बताओ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसने ज्ञान के बिना गमन करना शुरू कर दिया, और सबसे खतरनाक चीज है जिस स्मृति को वो लेती है अज्ञान, अज्ञान। और खतरनाक क्यों है, मैं आपको दो एग्जाम्पल से सिद्ध कर दूंगा, प्रश्न छठा का उदाहरण कर दूंगा। खतरनाक इसलिए है, हमें समझ इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, जानना 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 इतना अंधार है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मैं आपको दो तीन प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दें। यहाँ दो तरह के लोग बैठे हो सकते हैं, जिन्हें कुछ जानकारी है और जिन्हें कुछ जानकारी नहीं। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए ऐसा हम लोग करते हैं, अहिंसक जीवन शैली के लिए, पापों से बचने के लिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो कुछ को तो पता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, सुन लिया है किसी के प्रवचन में, किसी के ग्रंथ में, किताब में, बोर्डिंग है, ध्यान है नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको इस बात की जानकारी ही ना हो, अता पता ही ना हो कि ऐसी भी कोई बात है दुनिया में, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि हो सकते हैं, हो क्या सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है, दोनों लोग रात्रि में भोजन कर रहे हैं, एक वो जिसे पता है नहीं करना चाहिए और एक वो जिसे नहीं पता है करना नहीं करना चाहिए, दोनों में से पाप ज्यादा किसको लगेगा? जिसको पता है, होल सेल में आपने एक साथ बोल दिया। मैं फिर से कहूंगा, हम मनुष्य व्यक्ति का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले, जवाब देने से पहले थोड़ा अपने दिमाग में जोर लाए, थोड़ा यूज करें, बहुत काम की चीजें आपके पास। मनुष्य व्यक्ति हम 1-2% भी उसका उपयोग नहीं कर पाते, जब पाते हैं। आज छोड़ लेंगे जमीन, जरी वाला काम है क्या लगता है? सेकंड नंबर में जाए, अच्छा खुली दिखी, फिर देखना फिर आप धीरे, मैं नमकार मंत्र बोलूंगा आप लोग दोहराएंगे, नमो अरहंतारम, नमो अरहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरियारम, नमो अछायारम, नमो लोए सब साहूरम, मैं यहां से 3 बार बोलूंगा, आप लोग उसको दोहराएंगे। किसकी सेवा की? शरीर। बचपन से लेकर आज तक हमने सुबह से उठते ही सबसे पहले क्या किया था? क्या किया था? सबसे सुबह उठते ही ब्रश किया, ब्रश किसके लिए किया था? उसके बाद क्या किया था हमने? वो किसके लिए किया था? किया था अच्छा लगने, फ्रेश होने, ये बहुत सही है। फिर क्या किया था? आज के बच्चे है सारे मतलब जो भी चीजें हमारी चल रही है कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेटेड है? जब ये जीव शरीर को अपना बराबर मानता है,
इसका करता मैं हूँ, इसका हरता मैं हूँ, जो कुछ हूँ मैं शरीर के लिए ही कर रहा हूँ। तो समझे कि हम सभी क्या है, अगर मानना छोड़ना पड़े। अच्छा ये बताओ, हमने बचपन से लेकर आज तक शरीर की कितनी सेवा की? एक बार शरीर से पूछो कि जब हमें कोई बड़ी बीमारी आएगी क्या वो हमारा साथ देगा? बीमारी हमारे घर में बहुत सारे बड़े लोग होंगे, उनको भी बहुत सारी बीमारियां होंगी। हाँ जी की ना जी, बचपन से लेकर आज तक उन्होंने भी अपने शरीर की ही सेवा की, कोई भी बीमारी उनको ना हो यही उन्होंने सोचा, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। जितने लोग बीपी की दवाई लेते हैं, जितने लोग शुगर की दवाई लगातार लेते हैं, क्यों लेते हैं? शरीर के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी क्या शरीर उनका साथ देता है? मतलब इसका क्या मतलब समझ में आया कि हम शरीर के प्रति कितना ही प्रेम करें लेकिन शरीर हमारे प्रति रत्ती भर भी प्रेम करने वाला नहीं है। आखिरी समय में हम कहेंगे भैया एक दिन की जिंदगी और दे दो, क्या कहेंगे? एक दिन की और जिंदगी और दे दो, शरीर साथ देने वाला नहीं है। अब बताओ हमें शरीर और आत्मा को एक मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अगर हम इसको मानना छोड़ देंगे तो हम सभी क्या बन जाएंगे? बन जाएंगे। अभी तो हम शब्दों से पकड़ रहे हैं, आत्मा क्या है? जो बाहर की वस्तु को ना मानता हो, जानता हो, अनुभव करता हो, उसे क्या कहते हैं? अभी बड़ी डाउट आजी की नाजी, आजी की नाजी, आजी ये माजी हाथ रास्ते में गिर जाएगा ऐसा। तो ये आप कितना भोग सकते हो, कितना लाभ ले सकते हो, ये सब चीजें अंतराय के अंतर्गत आती है। तो उसमें आठ प्रकार के कर्म हैं। अब इसमें से हमने दो में डिवाइड किया, एक है घाती और एक है अघाती। घाती मतलब घात करने वाला, जो आत्मा के गुणों का घात कर देता है उसे कहते हैं घाती कर्म, ठीक है। और अघाती अर्थात जो आत्मा के गुणों का घात नहीं कर रहा है उसे हम कहेंगे अघाती कर्म। घात करना मतलब नाश कर देना, नुकसान पहुंचा देना, किसी भी रूप से उसको हार्म पहुंचाना, लग जाना, उसको बर्बाद कर देना, इस तरीके से सब घात शब्द से ये समझना, ठीक है। तो अरहंत भगवान के चार घातिया कर्मों का नाश हो गया, ठीक है। अब सिर्फ अघाती कर्म बचे, मतलब समझ लो आप आठ में से चार कर्म खत्म हो गए हैं अरहंत भगवान के। हमारे पास कितने कर्म है? आठ। और हम इसलिए परेशान हो रहे हैं, आठ गुना परेशान हो रहे हैं। अब अरिहंत भगवान के पास केवल चार ही कर्म बचे हैं, बाकी के चार नष्ट हो गए हैं, उन्होंने उन कर्मों का नाश कर दिया। और क्या हुआ है? अनंत चतुष्टय विद्यमान हुए हैं। अब देखो अनंत चतुष्टय मतलब क्या होते हैं? चतुष्टय होते हैं चार, अनंत चतुष्टय, ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत पीड़ा। कौन कौन से? अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत से
शेरिंग ने चेन्ना ने वो ग्रुप कराया। हाँ बाद में फिर शेरिंग को बहुत आग लानी हुई कि मैंने ये क्या किया, उन्हीं राइटों ऊपर इतना बहुत पसंद किया, मुझसे कोई डिफरेंस रिडीम नहीं हो सकता, मुझे तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो उन्हीं राज को अभी मेहमाना बने यानी थे, बोले ये शेरिंग क्या कर रहे हो, सुखी होने का उपाय हाथ हाथ नहीं आत्म साधना है, ध्यान रखना बच्चों। कभी भी कितना बाकी उतने सखी जीवन में आ सकते हैं, कभी भी सुसाइड करने का मन में विचार तक ही नहीं आता। आपके पास इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया चीज है जिनवाणी, इसके माध्यम से आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, है ना। इसलिए कभी भी कितना भी फेल हो जाओ, जीवन में कोई दुर्घटना घट जाए, गलती हो जाए, आपसे कोई पाप हो जाए, कभी सुसाइड का विचार नहीं करना। जिनवाणी की शरण में आ जाना, भगवान के पास आगे बैठ जाना, भगवान की भक्ति में दिन लगाना, आप कहीं परेशान नहीं हो, ठीक है ना। इसीलिए आपको एक बल यहाँ से मिलेगा कभी जीवन में, तो आप बाहर सुखी होने का उपाय नहीं है, हट के बताओ सुसाइड करके क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा शरीर, नया भी तो मिलेगा, और नया इससे पूरा कर लिया तो नरक में चले गए, अभी तो मनुष्य है ना, संगी पंचेंद्रिय है, आप तेज गति के दीप बन रहे, असंगी बन रहे तो सोचने के समझने की शक्ति चली जाएगी आपकी। अच्छा सुसाइड की बात मान लो, नहीं मर पाए, हाथ पैर टूट गए तो मान करो, विचार करो, है ना, आप सुसाइड करके क्या करना चाहते हो, उस कष्ट को दूर करना चाहते हो क्या, और कष्ट बढ़ाना चाहते हो। कष्ट तो भैया आपके जो कर्म बांधे हैं वो उदय में आएंगे, लेकिन आप शांति और धैर्य के साथ कर्मों को भोग लोगे तो कर्म कट जाएंगे, निद्रा को प्राप्त हो जाएंगे, और यदि परेशान होके गलत कदम उठाओगे तो और अधिक कर्म बनेंगे और उसका फल बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो श्रेणी को भी सुसाइड करने का विचार आया था, लेकिन मुनिराज ने तुरंत उसको टोका कि राजा श्रेणी क्या विचार कर रहे हो, अरे ये आत्मग्लानी करने का वो नहीं है, तुम तो आत्मा को समझो, आत्मा के स्वरूप को समझो। और जैसे मुनिराज ने उपदेश दिया, वहां से समय की प्राप्ति करी, तो वो जो साथ में नरक की आयु बनी थी ना राजा श्रेणी को, वो घटकर पहले नरक की रह गई। 33 साल की इतनी लंबी आयु बनी थी, मात्र 84,000 वर्ष की रह गई, हजारों में रह गई, सागरों की आयु हजारों में, मानो समुद्र में बूंद रहे, इतनी लंबी आयु की कम है। ये सम्यक का प्रभाव है बेटा, सम्यक दर्शन का प्रभाव है। तो इसलिए हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करना चाहिए, यहाँ इसकी बात चलेगी। तो क्या कह रहे थे कि वीतराग ही उपदेश, सबके इनके उपदेश की बात आती है, ऐसे वीतराग ही सर्वज्ञ इनके उपदेश ही होते हैं हमारे भगवान। देव से पहले पेज पे है, तो देव शागुरु की पूजन करते हैं ये बात आ गई थी, है ना। इसके बाद देव कौन है, देव की विशेषता बता रहे हैं। जैन धर्म में कोई व्यक्ति विशेष देव नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है कि जो देव होता है, नहीं। जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश, प्रधानमंत्री को व्यक्ति का नाम है, राष्ट्रपति को व्यक्ति, कितने जीव हैं, अनंत और उसका भाव भाषण अनंत माने जिसका कोई अंत ना आ सके, मतलब अनंत काल तक भी, अनंत काल तक भी, अनंत तक पहुंचने के लिए आपको सच में केवल ज्ञान के बिना वो अनंत समझ में आने वाला नहीं है। हम अनुमान से पहले तो गिनती करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
जब गिनती समाप्त हो जाए वहां से शुरू होता है असंख्यात, और असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। जब सारे असंख्यात खत्म हो जाए उसके बाद शुरू होता है अनंत, और अनंत के अनंतवे भाग में भी अनंत पाए जाते हैं, उसका नाम है अनंत। मैं आपको एक सैंपल देता हूँ, आपको अंदाजा लग जाए तीन भुवन में जीव अनंत कैसे है, कितने अनंत है, उसका आपको एक सैंपल समझो। इस पूरे विश्व में अनंत जीव राशि है, उसका स्वरूप क्या है मालूम है आपको? असंख्यात असंख्यात असंख्य ग्रुप बनाए जाए तो ग्रुप के नाम देता हूँ। एक सुई होती ना, सुई देखिए आप कहाँ देखिए क्या काम होती है,
कंफर्म कर रहा था, पर कई बार जल्दी वो बोले हाँ आप बताया, आप आगे आपको पता है सुई, सुई की नोक पर साधारण वनस्पति जिसको हम निगोदिया जीव राशि जहाँ बहुत पाई जाती है, समझ लो अपन जमीकंद ले लें, आलू का टुकड़ा ले लेंगे उदाहरण के लिए, तो आलू के एक टुकड़े पर सुई की नोक पर जितना कण आएगा ना, उस कण में असंख्यात आवास है, असंख्यात आवास, असंख्यात अंडर है, एक एक अंडर में असंख्यात कुलवी है, इसका क्रम कुलवी पहले है कि अंडर पहले है वो मैं जैन शिवाजीबाग से, और शिविर के बारे में जितना कहा जाए वो भी कम है, क्योंकि शिविर की सार्थकता इसी में है कि हमारे बच्चों में संस्कार आ जाएं, और वो संस्कार का काम विश्वासनगर ने बहुत बखूबी निभाया है, क्योंकि 800, 900 और 1000 बच्चों का शिविर लगाना कोई आसान नहीं है, और वो शिविर पहले दिन से ही बहुत बढ़िया सुचारू रूप से बहुत बढ़िया चल रहा है, हम उसकी अनुमोदना करते हैं, और जो भी जनता जैन चैनल से गौरव जी आए हुए हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे में सारे में प्रचार कर रहे हैं, ये सारे में प्रचार करें और बच्चों में तत्व ज्ञान लाएं, धन्यवाद, जय जिंद। और इतना जोर शोर से काम हुआ, बच्चों के लिए बैठने के लिए सब बहुत अच्छी सुविधा, एसी हॉल है हमारे यहाँ, और उसके अलावा एसी हॉल के अलावा बच्चों को नाश्ता सब कुछ दिया गया, ठंडाई पिलाई गई, और उसके बाद बच्चों को घर से लेके आए और घर को घर छोड़ दिया, सारे के सारे गार्जियंस बहुत ही संतुष्ट हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे शिविर हम प्रतिवर्ष लगाते रहें, बस यही हमारी भावना।